व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज मेरे साथ जो हैं वो वंश भाई हैं और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वंश भाई, आज आप ही बता दो हम कहाँ हैं। गाइस, हम बीत गए स्मॉल आए आज और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। जैसा कि रुपेश भाई की व्यूअर्स की तरफ से डिमांड आई थी कि आप हमें प्रोसेस बताइए कि टेम्परेरी टैटू का प्रोसेस क्या होता है, अब हमें दिखाओ कि क्या प्रोसेस होता है ताकि हम आए बिना किसी मतलब बेफिक्र हो गए हैं कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है टेम्परेरी टैटू। हाँ, तो अब मैं आज आपको पूरा टेम्परेरी टैटू का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पीछे एक शॉप है, ये टैटू इनके नाम से शॉप है। इसका जो V3S मॉल है ये निर्माण विहार में, डेल के शोरूम के साथ में। हाँ, डेल के शोरूम में आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। निर्माण विहार में शॉप है और यहाँ पर आज हम आए हुए हैं। तो अब मैं आपको ना सारी प्रोसेस दिखाता हूँ अंदर चल के, कि मतलब कि मैंने बात कर लिया, मैंने टैटू भी सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे ये वाला बनवाना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है। मतलब कि ये जो टेम्परेरी टैटू होता है ना, बिल्कुल नीडल फ्री होता है ना भाई। नीडल, इसमें नीडल का यूज़ बिल्कुल, इसमें नीडल का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। एक तरीके से जेल से बनाया जाता है, प्रिंट करा जाता है एक तरीके से। एक हफ्ते के बाद या रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक इसकी जो लाइफ है वो भी बस एक हफ्ता ही है। और इसके रेट्स वगैरह मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। चलो चलते हैं फिर अंदर। जी सर, तो आप बताएंगे थोड़ा टेम्परेरी टैटू और परमानेंट टैटू के बारे में, आपके क्या प्राइस चल रहे हैं। सर, अगर परमानेंट टैटू करवाते हो आपका 500 इंच होता है। हाँ, बाकी अगर आपका 3 इंच का टैटू होता है तो 1500 होता है। लेस करके आपका 1200 पड़ जाएगा। बाकी आपका डिज़ाइन देखेंगे हैवी या नॉर्मल है। अगर आपका नॉर्मल डिज़ाइन होगा तो आपका 1800 भी हो जाएगा, इससे 3 इंच का। और अगर बात करें टेम्परेरी टैटू की तो उसका क्या पड़ेगा। उसका 100 इंच होता है, 100 रुपये पर इंच। हाँ जी, हाँ 100 रुपये पर इंच होता है। बाकी उसका साइज देखना पड़ता है, साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है। अच्छा, जैसे अगर कोई 7-8 इंच का बनवाए तो उस पर कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ, उस पर डिस्काउंट हो जाता है। बाकी अब कंपनी में तो नॉर्मली आता है, जो फीलिंग वाले से। और जो पोर्ट्रेट टैटू होते हैं जैसे आपने बना रखा है, पोर्ट्रेट ये बन जाते हैं, ये भी बन जाते हैं। इनके तो प्राइस अलग ही होते हैं, इनके प्राइस अलग होते हैं। अभी एक चेयर यहाँ बन रहा है मेरे, उसका भी आधा दूर ही है, 6-7 हज़ार जितना भी मतलब इसका साइज होता है। तो आज जो मैं बनवाने आया हूँ उसके बारे में बताओगे थोड़ा, मतलब कि इसका प्रोसेस क्या होता है थोड़ा ये बता दो। टेम्परेरी का प्रोसेस सिंपल इतना होता है कि जितना साबुन पानी से बचाओगे उतना चलता है, जितना बचाओगे उतना चलेगा। और साबुन पानी से जितना साबुन पानी बचाओगे चलेगा। वैसे भी मैक्सिमम उसकी वैलिडिटी कम से कम 4-5 दिन होती है, 4-5 दिन में छुट जाता है। और इसमें कोई डिजीज का तो खतरा नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो खुद अपने ऊपर भी ट्राई करते हैं, जो ज़्यादा सबसे पहले मटेरियल अपने ऊपर यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप अपने ऊपर यूज़ करते हो, जो भी मटेरियल आप खरीद के लाते हैं। जी, पहले यूज करते हैं, उसके बाद दूसरे कस्टमर को करते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। जैसे मेरी कोई वीडियो देख के आएगा, मेरा चैनल है, तो जैसे कोई वीडियो देख के आएगा तो उसे तो आप डिस्काउंट कर दोगे ना। लगते बिल्कुल भी। हाँ, तो भाई देख लो, भैया से बात हो गई है मेरी, अगर आप मेरी वीडियो देख के आओगे ना तो आपको अच्छा ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको आगे वीडियो का दिखाना पड़ेगा कि मतलब लाइक कर रखे, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और भैया का जो नंबर है वो नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, ये आप देख लो। और इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हो आप। इंस्टाग्राम भी। तो भैया को इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप भैया से कुछ पूछ सकते हो। अगर आपको पूछना है तो अपने टैटू का डिज़ाइन भी आप भैया को दिखा सकते हो। बाकी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि प्रोसेस क्या है टैटू बनाने की। आप तो जो अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, ये टैटू सिलेक्टेड करा है, तो अब चलो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कराने वाला हूँ, पहले भी यहाँ पे बोल रहे थे पर मुझे ना वो रेजर नहीं कराना, तो इसलिए मैं यहाँ पे टैटू कराने वाला हूँ। दिखाता हूँ ना अभी सही। हाँ जी, यहीं पे बनाना है। टेम्परेरी इसका प्रिंट हो चुका है। हाँ जी, अब आप इस पे ये जेल से इसे परमानेंट कर दो।
इसके बारे में थोड़ा सा भैया से पूछ लेता हूँ। भैया जैसे इस आपने मटेरियल चढ़ा दिया तो इसका क्या होगा? अभी अपने आप छूट जाएगा, 10-15 मिनट बाद अपने आप हट जाएगा। फिर अपने आप हट जाएगा, हटाना पड़ेगा? नहीं हटाना नहीं, अपने आप हट जाएगा। मतलब छेड़ना नहीं है 10-15 मिनट से, और ये कम्प्लीट मशीन लगाने से। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा टैटू उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी आई है, और बाकी मैं आपको सूखने के बाद दिखाता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है बिल्कुल रियल वाली इसमें क्वालिटी आने वाली है। हाँ तो वैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना टैटू करवा लिया कंप्लीट और बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। अभी जो है ना इसके ऊपर का मतलब जो मटेरियल उन्होंने लगाया था वो हटा नहीं है, अभी इसे हटने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट कोई नहीं, हट जाएगा। मैं जब भी आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो क्वालिटी वो कैसी आई है, और उसके कुछ फोटोज़ भी इनोसेंट क्लिक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मतलब मेरा टैटू बना है उसकी जो क्वालिटी आई है कैसी आई है। वो भैया की शॉप का तो पहले भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया ना भाई, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम को, मेरी आईडी आ रही होगी और वंश भाई की आईडी इधर आ रही होगी, आपको वंश भाई को भी जाकर फॉलो कर लेना। क्योंकि इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ क्या है, कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना तो एक दिन पहले उस पर डाल देता हूँ कि मतलब कल वहाँ शूट पर जा रहा हूँ, आज यहाँ शूट पर जा रहा हूँ। तो आप ना मुझे अगर किसी को मतलब मुझसे मिलना मिलना हो तो आप जाके इंस्टाग्राम पर एक बार एक दिन पहले चेक कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब मुझे जो काम था वो था थोड़ा बिग बाज़ार से सामान लेना था, पीछे बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार जा रहा हूँ मैं, और वीडियो बस यहीं तक ही ख़त्म कर देते हैं। बाकी मैं अंदर जाके आपको कुछ दिखा सकता हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीदने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो चलते हैं इसके अंदर। तो सीन क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, मैं आया था बिग बाज़ार के अंदर, और आज मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बिग बाज़ार में आ रहा हूँ और कुछ खरीद के नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लेने आया था ना वो मिल ही नहीं रहा है। मैं रियल जूस लेने आया था और कुछ सामान लेने आया था, तो मैंने 3-4 सामान उनसे पूछा कि ये मिल जाएंगे, तो 3-4 सामानों को भी उन्होंने बोला कि नहीं मिलेंगे। तो आज का जो मेरा बिग बाज़ार का एक्सपीरियंस रहा वो सबसे ख़राब रहा। और अब चलते सीधा घर, और घर जाने वाले मेट्रो से जैसे आए थे। और सॉरी गाइस, मैं आपको ये नहीं दिखा पाया कि मैं आया कैसे था, ना मैं आज घर से शूट करवाया था, बट मैं आज यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो हो जाता है कभी कभार। हाँ तो गाइस, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो। और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मैंने बताया था अब तक मैं काम नहीं करता था, पर अब इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं बता दूं, मैं बिग बाज़ार के अंदर गया था पर मुझे कुछ मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने उसके अंदर का शूट जो दिखाया आपको थोड़ा सा, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अभी आप अगर बिग बाज़ार से कुछ लेना चाहते हो तो आप आना पसंद ना करें, कुछ दिन बाद आएँ, उन्होंने बोला है कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस यहाँ तक की वीडियो जरूर कर देना गाइस, सब्सक्राइब करना है भाई। हाँ, और भाई का भी नया चैनल स्टार्ट होने वाला है, जब स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बता दूँ, आप जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी से 1K करा दो यार, होने वाले हैं 25-30 सब्सक्राइबर और चाहिए, फिर 1K हो जाएंगे मेरे, तो 1K पे फिर करते हैं सरप्राइज लाते हैं कुछ आपके लिए गाइस, कुछ नई चीज़ लेके आएंगे 1K पे, तो 1K करा दो। और टैटू आप देख सकते हो, अभी टैटू जो है कंप्लीट नहीं, मतलब कि सूखा नहीं अच्छी तरीके से, बाकी यार जाएंगे मेट्रो से तो इतने सूख जाए वो अलग बात है। तो चलो चलते हैं घर पर, वीडियो बस यहीं तक ही थी, बाकी शायद मैं आपको घर पर जाकर भी एक शूट दिखा दूँ।